हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास देखिए टीवी आया है। इसका पिक्चर का क्लियरिटी बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। कैमरा में तो आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये रियल में एकदम वाकई में मतलब एकदम बहुत डिम दिख रहा है। सर थोड़ा स्क्रीन बढ़ा के दिखा दीजिए। देखिए स्क्रीन बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा लाइनिंग लाइनिंग आ जा रहा है, तो हमारा ट्यूब का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम ट्यूब चेक करेंगे सही है कि ख़राब है। स्क्रीन कम करिए सर, हल्का सा बस छोड़ दीजिए। देखिए यही टीवी है, देखिए चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो इसका हम पहले ट्यूब चेक करेंगे, ट्यूब सही है कि ख़राब है, मतलब वीक हो गया है। ट्यूब वीक होने से ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वायर ले लेंगे। एक वायर को यहाँ पे ग्राउंड कर लेंगे, ग्राउंड कर लिए। और हम एक एक कैथोड को चेक करेंगे। जैसे हमारा ये देखिए यहाँ पे ये ब्लू कैथोड है, यहाँ पे ये ब्लू कैथोड है, रेड कैथोड है और एक ग्रीन कैथोड है। ठीक है, तो हम ब्लू पे इसको टच करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। देखिए ब्लू ब्लू कलर मेरा ओके है। अब रेड कलर देखिए आप, तो रेड भी मेरा ओके है। ग्रीन देखिए, ग्रीन भी एकदम अच्छा। तो मेरा तीनों कैथोड ओके है। तो हम इसका हीटर का सप्लाई चेक करेंगे। तो मीटर को एसी पे कर लेंगे हम। देखिए एसी रेंज पे 200 पे रख लिया है। ये हमारा हीटर है, देखिए। तो हीटर का भी सप्लाई ओके है, 3.7 के आसपास। तो हम क्या करेंगे, इसका सप्लाई थोड़ा हम और बढ़ा देंगे। और कैसे बढ़ाएंगे बस यही आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए मुझे एक वायर चाहिए। ठीक है, वायर को हम ESD से एक कोर लपेटेंगे और वायर का एक प्रॉप ग्राउंड कर देंगे और दूसरा प्रॉप हम हीटर के सप्लाई पे दे देंगे। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो टीवी को हम ऑफ कर ले रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। देखिए तो टीवी को हमने बंद कर लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए हीटर का सप्लाई है। देखिए मीटर से यहाँ पे 4 वोल्ट के आसपास आ रहा है। देखें तो ये गया, ये ट्रैक देखा, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे आया सप्लाई, मीटर पे देखते रहिए आप, यहाँ पे सप्लाई आया। फिर ये एक रजिस्टर के जरिए यहाँ पे आया 3.8, थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होके फिर ये ट्रैक से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हम वायर लपेटने से पहले इस सप्लाई को हम निकाल देंगे। ठीक है, तो हम टीवी को बंद कर दिए हैं और इस रजिस्टर को हम बाहर निकाल दे रहे हैं। देखिए ये रजिस्टर है, रजिस्टर है, फ्यूजेबल रजिस्टर है, इसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं। अब इस वायर को हम लपेटेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक कोर है, इसी कोर पे हमको इस वायर को लपेटना पड़ेगा। एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, तीन राउंड हो गया है। तब हमको वोल्टेज को पहले चेक करना पड़ेगा। हम अब देखिए, अब इधर देखिए आप, तो जो दो सिरा है, एक सिरा को भी छोड़ देना है, एक सिरा को हमको ग्राउंड कर देना है। यहाँ पे देखिए ग्राउंड लिखा रहेगा, तो इसको हमको यहाँ पे ग्राउंड दे देना है एक सिरा को। ठीक है, ग्राउंड हो गया, इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमको टीवी को ऑन करना है। ऑन करके यहाँ पे हमको वोल्टेज चेक करना है। देखिए 4 वोल्ट आ रहा है मीटर पे, देखिए अभी 4 वोल्ट आ रहा है। अभी इसको हमको 2 राउंड और लपेटना पड़ेगा। तो हम टीवी बंद कर लिए हैं। तो एक ही राउंड लपेट रहे हैं, फिर से हम देखेंगे वोल्टेज हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा।
करंट नहीं मारेगा क्योंकि 3-4 वोल्ट ऐसे ही रहता है, ज़्यादा नहीं। देखिए 6 वोल्ट हो गया, मीटर पे देखिए आप, मीटर पे देखिए, देखिए 6 वोल्ट के आसपास तो मेरा ओके है, ठीक है। अब इसको हमको यहाँ पे लगाना है, देखिए जो हीटर का पिन है, देखिए ये हीटर है, यहाँ पे हमको लगाना है। और जो हीटर का जो ये रहता है रजिस्टर, हमने इसलिए निकाल दिया कि वो आपस में शॉर्ट ना हो जाए, ओके। तो अगर रजिस्टर ना रहे, डायरेक्ट रहे, तो ट्रैक को कट करना पड़ेगा, यहाँ से हीटर को कट करना पड़ेगा ट्रैक को, तभी लगाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम का शॉर्टिंग दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं लगाना है आपको, उसको ट्रैक को कट करके तभी लगाना है, या तो रजिस्टर है तो रजिस्टर को निकाल के लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैंने लगा दिया, एक बार फिर से बता रहा हूँ, कोर को लपेटिए, फिर इसका एक प्रॉप ग्राउंड कर दीजिए, देखिए यहाँ ग्राउंड कर दिया है, और दूसरा प्रॉप हीटर पे लगा दीजिए, हीटर का जो ESTs निकलता है उसको, उस ट्रैक को कट कर दीजिए, अगर रजिस्टर रहेगा तो रजिस्टर को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो जो आउटपुट पर रहता है हीटर के आउटपुट, जो यहाँ पर वोल्टेज आता है, जो इस पर इधर ही, मतलब इसी वाले ट्रैक पर लगाना है आपको, ठीक है। और जो हीटर रहता है यहाँ पर, यहाँ पर कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम टीवी को ऑन करके आपको दिखाते हैं कि मेरा क्लियरिटी अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हीटर का वोल्टेज चेक कर लेंगे, तो देखिए हमारा हीटर का वोल्टेज 5.8 आ रहा है। तो फ्रेंड अब देखिए इसका क्लियरिटी, देखिए पिक्चर का क्लियरिटी एकदम ओके हो गया है, और अब ये अच्छा चलेगा, क्लियर दिखाएगा एकदम, मतलब टीवी का पिक्चर एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप सभी कैथोड को एक बाय एक करके चेक कर लीजिए कि हमारा ग्रीन, ब्लू, रेड कैथोड ओके है, तो पिक्चर ट्यूब चार्ज ना करिए, उसके हीटर वोल्टेज को बढ़ा दीजिए, ठीक है। चार्ज करने से क्या होता है, पिक्चर ट्यूब की लाइफ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो पिक्चर ट्यूब को चार्ज नहीं करिए, अगर कैथोड वीक है, मतलब रेड या ग्रीन या कोई एक कैथोड वीक है तो तब चार्ज करिए, लेकिन पिक्चर ट्यूब को आप अगर वीक है तभी चार्ज करिए, अगर वीक नहीं है, पिक्चर डीम आ रहा है, तो आप यही जुगाड़ करिए, ESTs को कोर के लपेट के तब बना दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।